हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे पालक पनीर। और आज हम बहुत ही आसान तरीके से पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पालक पनीर की सब्जी बनाना। पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक ले लिया है और एक भगोने में मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी ये जो पालक है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस पालक को इस पानी के अंदर डाल देते हैं। सारे पालक को अभी हम इस गर्म पानी में डाल देते हैं और इस पालक को अच्छे से डुबोते हुए हम इस पानी के अंदर अच्छे से डाल देते हैं, डुबो देते हैं। इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 30 सेकेंड के लिए इस पालक को इस गर्म पानी में उबालना है। 30 सेकेंड बाद इस पालक को वापस से हम निकाल लेते हैं बाहर और इस ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं। ये वही नॉर्मल मटकी का ठंडा पानी है। इस ठंडे पानी में अभी इस उबले हुए पालक को हम निकाल देते हैं। सारे पालक को हम निकाल देते हैं। तो पालक अभी हमारा बॉईल होके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको हमने ठंडे पानी में डाल दिया है ताकि इसका कलर ऐसा ही बना रहे। तो अभी हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन और काजू, 2 टमाटर और 1 अदरक का टुकड़ा। इसको अभी हम एक मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक मिक्सी का जार, इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं ये कटे हुए टमाटर और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, लहसुन और ये काजू। काजू डालने से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टमाटर, काजू और मिर्च लहसुन का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। सारे पेस्ट को अभी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसी मिक्सी के जार में अभी हम ये उबले हुए पालक को भी पीस लेते हैं। तो डायरेक्ट पानी से निकालकर पालक को हम इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसका भी हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका कलर, अभी तक हमने इसको बॉईल किया तो भी इसका कलर वैसा का वैसा ही है और बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आया हुआ है। तो इसकी भी ये प्यूरी बनके तैयार हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। उसके लिए गैस ऑन करके गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और इस कढ़ाई में अभी हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल और उसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और आज हम पालक पनीर की सब्जी तेल और घी दोनों में बना रहे हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं यहाँ पे तेल और घी दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल और घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता। उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसको डालकर हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज और हरी मिर्च को हम अच्छे से भुनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अभी ये टमाटर का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देते हैं। सारे पेस्ट को डालकर इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। इस पेस्ट को अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 2 चम्मच हमें इसमें पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं।
इन सब मसालों को हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और मसालों को इस ग्रेवी के साथ अच्छे से पकने देते हैं। मसालों को हम धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे। मसाले हमारे पक रहे हैं जब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम पनीर को रख देते हैं और इस तरीके से चौकोर आकार में हम इसको कट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यानी कि एक पाव पनीर लिया है। और यहाँ पे हमारे मसाले ग्रेवी के साथ अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं, हाथ से मसल कर डाले कसूरी मेथी को। इसको भी हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे ये पालक की प्यूरी, जो पालक को हमने पीस के रखा था इस पालक के पेस्ट को भी हम डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। पालक के पेस्ट को हम इस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाते हुए इसको हम पकाएंगे। और अभी हम इसमें डाल देते हैं ये मलाई। ये मलाई हमने दूध के ऊपर से जो मलाई होती है उसको निकाल कर इसको अच्छे से फेंट लिया है और इस मलाई को अभी हम डाल देते हैं इस ग्रेवी के अंदर। मलाई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और क्रीमी क्रीमी से ही हमारी ये सब्जी बनके तैयार होती है। आप चाहे तो मार्केट से भी फ्रूट क्रीम ला के डाल सकते हैं और घर पे जो दूध की मलाई होती है उसको आप अच्छे से फेंट कर वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मलाई भी नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं। मलाई डालकर हम अच्छे से इसको पकाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं ये पनीर। पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही डाल रहे हैं। ऐसे ही डालते हैं तो पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। पनीर डालकर पनीर को भी हम एक बार अच्छे से इस ग्रेवी के साथ मिला लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये ग्रेवी हमारी ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं एक गिलास पानी। और ये पानी हमने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, ठंडा पानी ना डालें। पानी डालकर इसको हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे पालक पनीर की सब्जी बन रही है और बहुत ही अच्छे से क्रीमी सा टेक्सचर आया है इसका। और ये हेल्दी पालक पनीर की सब्जी बनी है और इसको बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। और अभी हम इसमें ऊपर से लहसुन का तड़का लगा देते हैं। उसके लिए मैंने तड़का पैन रख दिया है गैस पर और उसमें हम डाल देते हैं घी। घी गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं ये कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमने कद्दूकस नहीं किया है, इस तरीके से कट किया है। लहसुन को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। लहसुन हमारा अच्छे से पक चुका है और अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप गैस बंद करके ही डालें। लाल मिर्च डालकर इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और इस गर्म घी में लाल मिर्च हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो ये हमारा तड़का बन के तैयार हो चुका है और इस तड़के को अभी हम डाल देते हैं इस पालक पनीर की सब्जी में। इस तरीके से ऊपर से हम लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल होटल जैसी हमारी ये पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो फाइनली पालक पनीर की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी पालक पनीर की सब्जी बनी है। तो अभी हम इस सब्जी को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं।
तो लीजिए, पालक पनीर की सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से अपने घर पर पालक पनीर की सब्जी ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।